लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। यदि ये श्री राम की ही माया है तो बार बार उनका नाम पुकार कर मुझे भ्रमित क्यों किया जा रहा है? कौन पुकार रहा है श्री राम का नाम? सामने क्यों नहीं आता? माता, श्री राम का दूत आपके लिए उनकी मुद्रिका लाया है, उनका संदेश लाया है। कहिए, जय श्री राम। श्री राम का दूत कौन है? सामने क्यों नहीं आता? छुपा क्यों है? माता, इस समय आप श्री राम की मुद्रिका देखकर अपना दुख और शोक शांत कीजिए। इस समय आप बहुत उद्विग्न हैं। बहुत हो गया ये मायावी खेल। मैं तुम्हारी माया में फंसने वाली नहीं हूँ। कौन है श्री राम का नाम लेने वाला मायावी? सामने आ। जय श्री राम। प्रणाम माता। वानर, तुम श्री राम के दूत हो? हाँ माता, मैं श्री राम का दूत भी हूँ और उनका चाकर भी। मेरा नाम हनुमान है। मैं समुद्र के उस पार से आपकी खोज में लंका आया हूँ। तुम श्री राम के दूत नहीं हो सकते। तुम रावण की राक्षसी माया को फैलाने वाले कोई मायावी हो। नहीं माता, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। क्या उनकी मुद्रिका देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? रावण की माया इस लंका के कोने कोने में फैली है। उसकी माया दृष्टि को भ्रमित और मन को विचलित कर देती है। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। अर्थात मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया माता। मैंने श्री राम के चरणों की सौगंध खाई, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता। मायावी का कोई विश्वास नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। माता बताइए मैं क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही श्री राम का सच्चा सेवक हूं। मैंने तो राम काज करने के लिए ही जन्म लिया है। आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? माता, मैं सत्य कह रहा हूं। प्रभु श्री राम आपसे मिलने के लिए कितने आतुर हैं क्या आप नहीं जानती? और भ्राता लक्ष्मण भी उतने ही चिंतित हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम उनसे मिले हो? मैंने ही उनकी बात नहीं मानी और आज ये दिन देख रही हूं। उन्हें भी इसी बात का दुख है माता कि उनके होते हुए आप पर यह विपत्ति आन पड़ी। परंतु अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है माता। वानर राज सुग्रीव की वानर सेना समुद्र के उस पार आपको छुड़ाने के लिए तैयार खड़ी है। वानर सेना? हाँ माता, मेरे ही समान देव वानरों की शक्तिशाली सेना लंका के उस पार समुद्र तट पर एकत्र हो चुकी है। श्री राम की सहायता के लिए आर्यव्रत के समस्त वानर एक हो चुके हैं। अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ माता? माता, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी ये सारी बातें स्वप्न के समान असत्य प्रतीत हो रही है। मैं कैसे मान लूं कि कपटी रावण की माया मुझे भ्रमित नहीं कर रही है? जय श्री राम। नहीं माता, नहीं, रावण की माया में मुझे लपेट कर प्रभु श्री राम की आज्ञा और मेरी भक्ति का अपमान ना कीजिए। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? माता सीता के पास पहुंचाकर भी अविश्वास की एक रेखा खींच दी
अब मैं माता को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही आपका दूत हूं? आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैंने अयोध्या में प्रवेश करते ही एक प्रश्न पूछा था आपसे, आपने उस समय मुझे उसका उत्तर नहीं दिया था। उस प्रश्न का स्मरण है मुझे। तुम मुझसे पूछना चाहती थी कि संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? हाँ हाँ प्रभु, अब दीजिए ना उस प्रश्न का उत्तर। हनुमान, तुम धन्य हो, तुमने ये मुद्रिका लाकर मेरी निराशा को आशा में बदल दिया है। न जाने तुमने कितने कष्ट उठाए होंगे लंका पहुंचने के लिए। नहीं माता, नहीं, कष्ट कैसा, मैं तो स्वच्छंद पंछी की तरह उड़ता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। राक्षस राज रावण यदि अपनी लंका को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो माता सीता को छोड़ दे। तो तू है वो उत्पाती वानर जिसने हम जैसे वीर राक्षसों को वीरता की चुनौती दी है। सेनापति जी, इस दुष्ट वानर को शस्त्रों से समाप्त करना है, शब्दों से नहीं। अपना खड़क उठाकर इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सेनापति, मुझ पर खड़क से प्रहार करके अपनी वीरता का परिचय दो, मुझे तुमसे यही आशा है। राक्षस जाति कायर हो गई है, ये सब असहनीय है। पिताश्री, इन राक्षसों की करुण पुकार सुनकर लज्जा से मेरा सर झुका जा रहा है। पिताश्री, हम मारे गए लंकेश, हमें बचाए उस भयानक वानर से। लंकेश्वर, ये बार बार की पुकार हमारे हृदय को गहरी चोट दे रही है, हमें कुछ करने का अवसर दिया जाए। प्रास्त, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इन कायर राक्षसों की कायरता देखकर हमारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है? हम इन सबको प्राण दंड देंगे। लंकेश्वर, वो वानर बहुत भयानक है, उसमें इतनी शक्ति है कि। चुप रहो, तुम सब मिलकर एक वानर को नहीं पकड़ पाए। उसे पकड़ना असंभव है लंकेश्वर। हमारी आज्ञा की अवहेलना करने वाले कायर तू राक्षसों का सेनापति बनने योग्य ही नहीं है, इसे इसी समय समाप्त कर दिया जाए। लंकापति की आज्ञा का पालन हो। मुझे क्षमा कर दे लंकेश, मैंने उस वानर को पकड़ने और उसे समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वो मायावी अपने जादू की शक्ति से बचता रहा और हमें चोट पर चोट देता रहा। पिताश्री, हो सकता है कि इसकी बातें सच हो, इतने सारे राक्षसों को चोट पहुंचाने वाला वानर साधारण नहीं हो सकता। क्षमा करें लंकेश्वर, यदि इसी तरह आप राक्षसों को प्राण दंड का आदेश देते रहे तो लंका की रक्षा करने के लिए एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा। युक्ति से काम लेना चाहिए। प्रहस, हमें सिखाने की चेष्टा ना करो और राक्षसों को कायरता का पाठ ना पढ़ाओ। दासरी, प्रहस ठीक कह रहा है,
हमें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो वानर बहुत मायावी है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो वानर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लंका में आया हमारा कोई भी शत्रु हमारे घातक प्रहार से बच नहीं सकता। पिताश्री, मुझे उस वानर को समाप्त करने की आज्ञा दें। नहीं अक्षय, अभी तुम्हें युद्ध करने का अनुभव नहीं है। उस वानर को समाप्त करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। नहीं मेघनाथ, नहीं। अक्षय कुमार हमारा वीर पुत्र है, राक्षसों की अमित शक्ति इसके रक्त में दौड़ रही है। तुम लंका के युवराज हो, शत्रु की बड़ी से बड़ी सेना को तुम अकेले ही पराजित कर सकते हो। एक छोटे से वानर के लिए हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। अक्षय, राक्षसों के प्रतिनिधि बनकर अशोक वाटिका जाओ और उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत हमारे सामने लेकर आओ। जो आज्ञा पिताजी। चलो। जय श्री राम। मूर्खो, तुम लोग उस वानर से डर गए, जाओ पकड़ लो उसे। आओ आओ। आओ आओ आओ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। Shri Ram.